class 3rd, chapter number 5, the goldfinch. Goldfinch is a kind of bird. God is the creator of this universe. भगवान ने ये पूरी यूनिवर्स को बनाया है, इस पूरी सृष्टि को बनाया है. He has created everything, including this colorful world. उसने हर एक चीज़ बनाई है और जिसमें ये कलरफुल संसार है. After creating this world, the creator first covered it with a carpet of lovely flowers and green meadows. इस दुनिया को बनाने के बाद क्रिएटर ने, यानी कि भगवान ने, इसको कवर कर दिया फ्लावर्स से, फूलों की चादर से इसको ढक दिया. एंड ग्रीन मेडोज, और हरे हरे घास के मैदानों से. ही क्रिएटेड द ब्लू ओशंस, सीज एंड बिग रिवर्स. नीला समुद्र बनाया उसने और बड़ी बड़ी नदियां बनाई. ही क्रिएटेड द हाई हिल्स एंड माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और पहाड़ बनाए. ही ऑल्सो क्रिएटेड द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल बनाए. देन ही क्रिएटेड लिविंग क्रिएचर्स, फिर जीने वाले इंसान बनाए. ही क्रिएटेड बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़े बनाए. व्हेन ही वाज क्रिएटिंग द बर्ड्स, जब वो पक्षी बना रहा था, ही डिसाइडेड टू गिव देम कलर, उसने डिसाइड किया कि उनको कलर किया जाएगा, उनमें रंग भरेगा. ऑल द बर्ड्स लाइंड अप, सारी पक्षी, सारी चिड़ियाँ जो हैं लाइन से लग गईं. द बिग बर्ड्स स्टूड फर्स्ट, बड़े जो बड़ी चिड़िया थी वो आगे, एंड द स्मॉलर वंस बिहाइंड देम, और छोटी वाली उनके पीछे. अमंग द लिटिल बर्ड्स वॉज अ गोल्ड फिंच, उन सब जो छोटी चिड़ियाँ थीं उनमें गोल्ड फिंच एक तरह की चिड़िया होती है, वो थी. शी वॉज वेरी रेस्टलेस एंड कुड नॉट स्टैंड स्टिल, वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस थी, मतलब उसे बैठा नहीं जा रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वो बहुत परेशान सी थी. शी कैप्ट ऑन चिरपिंग एंड हॉपिंग, वो चहचहा रही थी और फुदक रही थी. देयर वर मैनी अदर बर्ड्स स्टैंडिंग बिफोर हर, उससे पहले बहुत सारी चिड़ियाँ थीं जो खड़ी थीं. द गोल्ड फिंच कुड नॉट वेट मच लॉन्गर, लेकिन गोल्ड फिंच जो है वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकी. शी ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार करके वो थक गई. फाइनली शी फ्लू अप इनटू द स्काई, ब्लू स्काई, और उसके बाद वो नीले आकाश में उड़ गई. द वर्ल्ड लुक्ड ब्यूटीफुल फ्रॉम देयर, और आकाश से उसको संसार बड़ा सुंदर दिख रहा था. शी फ्लू फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ी. एंड ओवर हिल्स एंड मेडोज, पहाड़ियों पे घास के मैदानों में उड़ गई. शी वॉज वेरी हैप्पी नाउ, बड़ी खुश थी वो. शी वॉज सिंगिंग एंड एन्जॉइंग हर सेल्फ, वो गा रही थी और अपने आप को इन्जॉय कर रही थी. सडनली द गोल्ड फिंच फाउंड दैट हर फेदर्स हैड नॉट बीन पेंटेड, अचानक गोल्ड फिंच ने देखा कि उसके जो पंख हैं उन पर पेंट नहीं हुआ है. शी हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो दूर थी. शी हरीड एंड फ्लू बैक एज फास्ट एज सी कुड, उसने जल्दी की और वो उड़ी जितनी तेजी से वो उड़ सकती थी. शी होप्ड शी वुड बी इन टाइम टू हैव हर कोट पेंटेड, उसको आशा थी कि वो समय से पहुंच जाएगी और उसके कोट पेंट हो जाएंगे, उसके फेदर्स पेंट हो जाएंगे. एट लास्ट शी रीच्ड द मेडोज वेयर द लॉन्ग लाइन ऑफ बर्ड्स वॉज देयर, और अंत में वो वहाँ मैदान में, घास के मैदान में पहुँची जहाँ पे चिड़ियों की लाइन लगी हुई थी. बट नाउ देयर वर नो बर्ड्स इन द फील्ड, लेकिन वहाँ पे कोई चिड़िया नहीं थी. गॉड हैज़ फिनिश्ड हिज जॉब, भगवान ने अपना काम ख़त्म कर दिया था. ही हैड पुट अवे हिज पेंट्स एंड वॉज वॉशिंग हिज ब्रशेज, और ईश्वर क्या कर रहा था, उसने अपना काम ख़त्म कर दिया था, उसने अपने पेंट्स को उठा के रख दिया था और वो अपने हाथों को और अपने ब्रशेस को धो रहा था. द गोल्ड फिंच सैट ऑन ए ट्री सॉबिंग बिटरली, गोल्ड फिंच एक पेड़ पर बैठ गई और वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी. गॉड हर्ड हर क्राइंग, भगवान ने उसका रोना सुना. ही आस्क्ड द गोल्ड फिंच, उसने गोल्ड फिंच से पूछा, व्हाई आर यू क्राइंग लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया तुम क्यों रो रही हो. आई वॉज इंजॉइंग ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की सुंदरता को इंजॉय कर रही थी. आई फॉरगॉट टू कम बैक इन टाइम, मैं वापस टाइम से आना भूल गई. माई फेदर्स डोंट हैव कलर, सेट द बर्ड स्टिल सॉबिंग, उस चिड़िया ने रोते हुए कहा कि मेरे पंखों पर कोई कलर नहीं हुआ है. गॉड सॉ दैट द गोल्ड फिंच वॉज रियली सॉरी, भगवान ने देखा कि गोल्ड फिंच जो है वो वास्तव में बहुत दुखी है. ही फेल्ट पिटी ऑन द लिटिल बर्ड, उसको छोटी चिड़िया पर दया आई. अनसैड, उसने कहा कम विद मी, मेरे साथ आओ,
लेट मी सी व्हाट कैन बी डन नाउ, अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। दो ही हैड पुट अवे ऑल द कलर्स, सम पेंट स्टिल लेफ्ट ऑन द पैलेट्स। हालांकि ईश्वर ने अपने सारे कलर उठा के रख दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ पेंट पैलेट्स में बचा हुआ था। गॉड यूज्ड ऑल दोज कलर्स, लिटिल बिट ऑफ कलर्स, एंड पेंटेड द लिटिल गोल्डफिंस फैदर्स नाइसली। तो ईश्वर ने वो थोड़े थोड़े जो कलर्स बचे हुए थे उनको यूज किया और गोल्डफिंच के पंखों को अच्छी तरह से पेंट कर दिया। द बर्ड वॉज वेरी हैप्पी नाउ, चिड़िया बहुत खुश हुई। शी थैंक्ड गॉड, उसने भगवान को धन्यवाद दिया, एंड फ्लू अवे सिंगिंग मैरिली, और बड़ी खुशी से गाना गाते हुए उड़ गई। इन दिस वे द गोल्डफिंच गॉट अ गॉर्जियस एंड मल्टी कलर्ड कोट ऑफ फैदर्स, और इस तरह से गोल्डफिंच को एक बहुत ही अच्छा सुंदर और मल्टी कलर अलग अलग रंगों वाला फैदर्स का कोट मिला, यानी कि उसके पंख बहुत सारे कलर से पेंट हो गए। इवन टूडे यू कैन सी अ गोल्डफिंच विद कलरफुल फैदर्स होपिंग एंड चिरपिंग एंड अराउंड द ट्रीज, और आज भी तुम देख सकते हो गोल्डफिंच के जो पंख होते हैं वो बड़े कलरफुल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और वो फुदकती और चहचहाती रहती है पेड़ों के आसपास। थैंक यू वेरी मच।